सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक एंडरमैन की स्टोरी, और ये सीरीज बहुत तगड़ी होने वाली है। तो अगर तुम हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन आ रहा है, उसको जल्दी से जाकर के दबा देना, और हमें सपोर्ट दिखाने के लाइक भी कर देना ताकि और मोटिवेशन फील हो और अच्छी अच्छी स्टोरीज आएंगी बहुत जल्द। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है एक छोटे से विलेज से, जहां पर एक छोटा सा बच्चा और उसके पापा साथ में रहते थे। विलेज में जितने भी बच्चे थे सब उससे डिफरेंट थे, और विलेज का कोई भी बच्चा उसके साथ रहना पसंद नहीं करता था। तो उसने अपने पापा से एक बार पूछा कि मैं सबसे डिफरेंट क्यों? तो उसके पापा ने कहा कि तुम्हें बचपन से ही काम करने की आदत थी, यहाँ से वहाँ दौड़ने की आदत थी, और धूप में तुम दिन भर रहते थे इसलिए काले हो गए, और काम करते करते की वजह से तुम इतने पतले हो चुके हो। लेकिन पहले ऐसे तुम नहीं थे, तुम पहले नॉर्मल थे। जिस विलेज में वो रहते थे वो माइनक्राफ्ट का सबसे ज्यादा विलेजर वाला गाँव था। बाकी किसी भी विलेज में इतने सारे विलेजर नहीं थे कि वहाँ पे बेड की भी कमी पड़ जाए, बट इस विलेज में बहुत सारे विलेजर थे। उसी दिन की रात को वहाँ पर बहुत सारे एंडरमैन क्रीपर जॉम्बीज का अटैक हुआ उसके विलेज पर, एंड बहुत सारे विलेजर मारे गए जो कि जॉम्बी विलेजर में कन्वर्ट हो गए, और उसी के साथ उसके पापा भी जॉम्बी विलेजर में कन्वर्ट हो चुके थे, मतलब उसके पापा अब नहीं रहे। और जब वो अपने पापा के पास गया तो उसके पापा अपने बच्चे को ही मारने लगे, तो वो वहां से भाग गया। और सामने उसको विलेज में आज तक ऐसा चीज नहीं दिखा था कि ऐसा कुछ बना हो, तो उसके अंदर चला गया, एक गली दिख रही थी, वहां पर जाने पर एक एंडरमैन आता है और उसे उसके आयरन बार में कैद कर देता है। लेकिन एंडरमैन को नहीं पता था कि ये बहुत ताकतवर है, और इसने आयरन बार को तोड़ के बाहर निकल आया। बाहर निकल के इसने देखा तो उसका पूरा विलेज जल रहा था आग से। इसने थोड़ा बहुत इधर उधर देखा एंड बहुत परेशान होकर ये यहाँ से विलेज को छोड़कर चला गया। काफी साल जंगलों में भटकने के बाद वो एक गुफा में गया जहां पर मंत्र पढ़ने की कुछ आवाजें आ रही थी। तो छोटा सा एंडरमैन उसी गुफा में चला गया और वहां पर जाकर के बाबा से मिला। तो बाबा ने उससे कहा, अरे जिसके जिसमें तुम इतने दिन से भटक रहे हो तुम्हारे असली पापा नहीं हैं। तो उसने पूछा कि मेरे असली पापा तब कौन हैं? तो उस बाबा ने कहा, मेरे साथ आओ। और बाबा बवंडर बन के जमीन के अंदर घुस गए। उन्हीं के पीछे पीछे वो छोटा एंडरमैन भी उन्हीं के साथ चला गया। वहां जाने पर उन बाबा ने कहा कि ये लो तुम्हारी सुरक्षा के लिए कुछ चीजें हैं, अभी फिलहाल तुम ये सब रखो और मैं अब तुम्हें शिक्षा दूंगा। अब वो एंडरमैन बड़ा हो चुका था और उसके पास डायमंड के इंचांटेड आर्मर, टूल्स और बो भी थी। और फिर पीछे से बाबा ने कहा, अब तुम्हें बहुत बड़ी मिशन पे जाना है। इतना कहने के बाद बाबा ने जादू किया और एक नेदर पोर्टल खोल दिया। नेदर में जाने से पहले बाबा ने कहा कि तुम्हें अब अंडर ड्रैगन को मारना होगा, और कैसे मारना ये सब समझाया। और सारी बात हो जाने के बाद वो एंडरमैन चला गया नेदर में और एक नेदर फोर्ट्रेस ढूंढने लगा। काफी देर ढूंढने के बाद नेदर फोर्ट्रेस भी उसे मिल चुका था। वहां पर उसने कुछ ब्लेज को मारा, और कुछ ब्लेज को मारने के बाद वो वापस चला गया ओवरवर्ल्ड में। वापस जाकर उसने फिर से बाबा से कुछ बातें की और फिर चला गया एंड पोर्टल की तलाश में। काफी दिन मेहनत करने के बाद फाइनली उसे एंड पोर्टल मिल गया, और अब वो चला गया था एंड में एंडर ड्रैगन से फाइट करने, और पहली बार होने वाली थी एंडर ड्रैगन वर्सेस एंडर मैन की फाइट।
फाइट में एंडर ड्रैगन को हराने के बाद वो वापस चला गया ओवर वर्ल्ड में और बाबा से बात करने लगा। तो वहां पर बाबा ने बताया कि जिसने तुम्हें बार्स में फंसाया था वही थे तुम्हारे असली पापा, और वो तुम्हें बचाने के लिए वहां पर फंसा गए थे क्योंकि उसे पता था कि सारे एंडरमैन तुम्हें ढूंढते हुए विलेज में आग लगाने वाले हैं, और अब तुम्हारी बारी थी अपने पापा को बचाने की, क्योंकि तुम सबसे अलग थे पूरे एंडरमैन खानदान में, और उन लोगों को लगता था कि तुम ही एंडर ड्रैगन को मार दोगे जो कि उनके बॉस थे, क्योंकि तुम्हारे पास बचपन से ही असीम शक्तियां थी। और अब बाबा ने कहा कि अब मुझे फिर से तुम्हें तैयार करना होगा अपने पापा को बचाने के लिए। तो अब सब तैयारी में लग गए। काफी साल बीत चुके थे और अब वो एंडरमैन काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका था, क्योंकि अब उसके पास नेदराइट का फुल आर्मर, टूल्स और बहुत सारी पावर्स आ चुकी थी, और अब उसे बचाना था अपने पापा को एंडरमैन बॉस से। सो गाइज, यही थी वीडियो। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, एंड पसंद आए तो लाइक कर देना। इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्द आएगा, जल्दी से जल्दी इसको शेयर कर देना अपने दोस्तों में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जितना भी आप लोग सपोर्ट दिखा सकते हो इस वीडियो पे दिखाना, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, और पहली बार ऐसी कोई वीडियो बनाई थी मैंने जो कि स्टोरी टाइप हो, जो कि खुद से स्टोरी बनाना हो एंड देन उसको आपके सामने वीडियो में बताना हो। तो वो थोड़ा हो सकता है कई जगह आपको ना पसंद आया हो, सकता है आप लोगों को ज़्यादा ही पसंद आ गया हो। तो अगर यार अगर कोई भी गलती हुई तो उसके लिए सॉरी, लेकिन अपने तरफ से मैंने बेस्ट देने की कोशिश की है। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना, मेक श्योर टू सब्सक्राइब भी कर देना, कमेंट कर देना क्या अच्छा लगा आप लोगों को, एंड शेयर कर देना अपने दोस्तों में यार। और नेक्स्ट वीडियो 100 डे सर्वाइवल वाले पे आने वाली है, बहुत क्रेजी वो वीडियो, उसको भी बनाने में कम से कम मेरे को लग चुका है लगभग 40 घंटे की रिकॉर्डिंग अभी मेरे पास पड़ी हुई है, आधी फ़ोन में आधी पीसी में, उसको एडिट करके आप लोगों के पास बहुत जल्द आने वाली है। तो इंतजार करो नेक्स्ट वीडियो का, एंड उसके बाद हो सकता है कि इसका सेकंड पार्ट आ जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा अच्छा आ गया तो पूरी कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी वो वीडियो आ जाए। और आप में से 99% लोगों ने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग बाग्राफ दे सकते हो, ये कोई एडिटेड नहीं है, रियल है। तो आप लोग 1% लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं और 99% लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब भी कर देना, और लाइक भी नहीं कर रहे हो तो लाइक भी कर देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।